Today 8 in class 10th, section B, exercise 5.3, question 3, part 9. Given that A is equal to 3, N is equal to 8, S rate is equal to 192. Using sum of n-th formula, since Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into b. Given that S8 is equal to 192, यह Sn की वैल्यू है, या आप कर सकते हैं S8 की वैल्यू है, तो 192 is equal to 8 upon 2, 2 into 3 plus 8 minus 1 into b. 8 by 2 as a coefficient of 2 into 3 plus n minus 1 into d. So transport this, it is transport in left side. So 192 into 2 upon 8 is equal to 6, 3 to the 6 is plus 7 d. 8 minus 1 is equal to 7 into d, 7. सप्लाई करें इसे, फिर से कट करके 192 आता है 48, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70, 70 इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6. ऐसे ही क्वेश्चन 10 है, गिवन दैट l इज इक्वल टू 28, l जो है अभी कल भी मैंने बताया था वह ए एन के इक्वल कहा जाते हैं, एल मीन्स लास्ट टर्म और ए एन का सिंबल भी ए एन जो है वो लास्ट टर्म के लिए है. एंड एल इज इक्वल टू 9 एंड एस ए 9 इज इक्वल टू 144, एस 9 जो है वह 144. Using sum of n-th formula, Sn is equal to n by 2, a plus an, sort of formula is कर रहे हैं, क्योंकि an दिया है, इसलिए 144 is equal to 9 by 2, a plus 28, 9 by 2, a, as a coefficient, it is transport the left side, so 144 into 2 upon 9 is equal to a plus 28. 9 से cancel करें 144 को, आएगा 16, 16 2 जा 32, 32 is equal to a plus 28. अब 28 जो है एक term है, इसे भी transport करें left side में, तो 32 minus 28 is equal to a. 32 minus 28 is equal to 4 होता है, तो a is equal to 4. यह आंसर मिल गया. क्वेश्चन 4 दिया गया है. क्वेश्चन 4 है, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to given a sum of 636. इसमें आपको कितने टर्म है बताना है, एपी भी दे दी गई है और जो एपी का सम है वो भी दिया हुआ है 636 है. तो लिखते हैं फ्रॉम एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 82 माइनस 1, 7 minus 9 is equal to 8, and given that Sn is equal to 636. Using sum of nth term formula, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, 636 is equal to n by 2, 2 into 9 plus n minus 1 into d. इसे 2 को transport करें, लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 636 इंटू 2
इज इक्वल टू एन, और 9 2 जाए 3 होता है, तो 3 प्लस और ब्रैकेट ओपन करने पर ये होगा 8 एन माइनस 8, ये हो गया 1272 इज इक्वल टू 10 एन, यहाँ माइनस 8 एन और 18, माइनस 8 और 18 ये दोनों लाइक टर्म है, तो 18 से माइनस 8 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आएगा 10, और जो ब्रेकेट ओपन होगा एन से मल्टीप्लाई होगा उसमें हो जाएगा 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर, 8 एन में यदि एन से मल्टीप्लाई होगा तो 8 एन स्क्वायर हो गया। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो ऑल टर्म हम वन साइड में करते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272, 0 इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन, ऑल टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 आ गया। अब इसे या तो ब्रेकिंग रूल से या फिर अदर रूल से इसे डिस्ट्रीब्यूट फार्मूला मेथड से या किसी मेथड से हम सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालते हैं, जो एन की वैल्यू आती है वह ही नंबर ऑफ टर्म हो गए इस स्थिति में। तो हम यहाँ पर जरा फार्मूला मेथड यूज कर लेते हैं, या डी इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी की वैल्यू इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिला है उसमें 4 है, और जो डी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है नहीं 5, बी की वैल्यू है 5 पाई स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 इंटू ए, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू है 600 माइनस 636। इसे सॉल्व करें आ जाएगा 25 प्लस, और यहाँ 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96 हो गया, 96 का कैरी 9 हुआ, 16 3 जा 48 में 9 ऐड करने पर 57 होगा, तो यहाँ टिक किया गया 7 और कैरी हो गया 5, 16 6 जा 96 और 96 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 101, इसमें 25 ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 1 0 2 0 1, अब 10,201 का रूट निकालेंगे क्योंकि फार्मूला यूज करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान टू ए, वैल्यू रखते हैं इसमें, बी की वैल्यू हमको पहले से पता है 5 है, माइनस 5 हो गया प्लस माइनस रूट डी, 10,201 का
हम रूट फाइंड करते हैं तो ये आता है, रूट निकालते हैं 10,200 रूट का, पेयर बनाते हैं, 1 1 जा 1 हुआ, कैंसिल हुआ आया 0 2, यहाँ आ गया 2, 0 टाइम से भाग जाएगा और हो जाएगा 0 0, फिर 2 0 1 और यहाँ आ गया 21 टाइम्स जाएगा आएगा 201, यानी इसका रूट हो गया 101। 101 रूट आया, तो माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब आगे इसके दो पार्ट करते हैं, हियर n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 एंड इसको अदर पार्ट में सॉल्व करते हैं, तो n इज इक्वल टू 101 से 5 माइनस होगा 96 होगा अपॉन 8 और यहां एंड n इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8 हुआ, ये आ जाएगा 106 माइनस में अपॉन 8, इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर इम्पॉसिबल है इसमें। इसे आप कैंसिल कर दें, 8 से 8 वन जा 8 और 8 टू जा 16, 12 आ गया एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म है इसमें 12। अदर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 में आप इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 5 यहां पहले आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर गिवन एपी नंबर ऑफ टर्म टर्म्स इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टर्म जो है वो है 12। आते हैं क्वेश्चन 5 पर, क्वेश्चन 5 दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज 5, इसमें गिवन दैट a इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मीन्स an, an इज इक्वल टू 45, ये भी दिया गया है एंड द सम इज 400, यस एन ही दिया गया है इज इक्वल टू 400। निकालना क्या है उसे देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप पहले n निकाल लें, यस n फार्मूला यूज करके n निकाल लें, यस n इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर वैल्यू रख दें, लेकिन फार्मूला जो है 60 वाला है,
ए प्लस एन, और जब ए प्लस एन लगाएंगे तो यह इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। एस एन दिया है 400 रखिए, और एन बाई टू रखे यहाँ, ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 45 आएगा, एन बाई टू इंटू 50 और यहाँ 400 हो गया। एन इस पर टू होगा 400 इंटू 2 अपॉन 50 इक्वल टू हो जाएगा 60, एन इक्वल टू 60 हो गया। नंबर ऑफ टर्म पता चल गया। अब आप डी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू हमें पता है 45 रखें, ए की वैल्यू भी 5 है पता है, और एन की वैल्यू भी 16 आ गई है ये हमको पता है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ये 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 इजिकल टू 16 माइनस 1 इजिकल टू 15 डी, तो डी इजिकल टू हो जाएगा 40 अपॉन 15 और डी की वैल्यू आ जाएगी इजिकल टू 8 अपॉन 3। ए सी की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आ गई, एन और डी की वैल्यू इसमें फाइंड कर ली थी। नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर एन निकालना है जो दिया गया है क्वेश्चन से 6 में, इसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, ए इक्वल टू 17 दिया गया है, और लास्ट भी दिया गया है, लास्ट यानी ए एन दिया गया है 350, डी भी दिया गया है 9 है। तो आप जब ए एन फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, नहीं डी पता है, एन नहीं पता, तो उसे एन फाइंड कर लेंगे। जब एन पता चल जाएगा तो उसी का एस एन निकाल लेंगे। अगर एन इक्वल टू 8 होगा तो एस 8 निकालिएगा, एस इक्वल टू 9 होगा एस 9 निकालिएगा, एस यानी जो एन की वैल्यू होगी उसी का एस एन निकालना है आपको, उतने टर्म का सम निकालना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 हो गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन व्हिच डी इक्वल टू 17 एंड 20 प्लस 2 टर्म्स इज 199। इसमें जो है सम दिया है यानी एस एन दिया है, यस क्वेश्चन 7 में सॉल्व कर रहा हूँ, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, यस 22 इज इक्वल टू प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, आप आगे
क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 7 वाला बुक से देख करके करिएगा। इसमें 22 फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर। यहाँ पर क्वेश्चन 8 में दिया है सेकंड टर्म यानी ए टू, एंड ये दिया है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है ए थ्री इज इक्वल टू 18 गिवन है। एक वैल्यू और दी गई है, 51 टर्म की वैल्यू उनको फाइंड करनी है। इसमें हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, और ए प्लस टू बी इक्वल टू 18 हो गया सेकंड। सॉल्व कर लें इसी को और ए डी की वैल्यू निकाल लें। जब ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो पहले ए डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल माइनस डी इक्वल टू होगा माइनस 4, डी इक्वल टू 4। नाउ यहां से ए निकालें, काम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस टी डी इक्वल टू 4 इक्वल टू 14, ए इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। ए और डी निकल आया। अब 51 निकालना है, यस 51 इक्वल टू 51 बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 4 है। ये हो गया 51 बाई 2 और 10 टू जा 20 हो गया, प्लस 52 जा 54 जा 200 हो गया, 220 हो गया। 51 बाई 2 इंटू 220 कट करके आएगा 110 और मल्टीप्लाई करने पर होगा 51 तो आ जाएगा, कैरी होगा 51 और प्लस कैरी 5 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 56। यह यस 51 की वैल्यू है। द एंड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 9-10 एंड क्वेश्चन 4, 5, 8 क्वेश्चन 6 और 7 स्वयं निकाल सॉल्व करें। क्वेश्चन 6 तो मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन 6 में कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में इसलिए उसे मैं सॉल्व किया, नाम से बताया। धन्यवाद।